जब से आरएसएस ने इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है, उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है, धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है, आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पांस एक ही हो सकता है, उसका रिस्पांस तपस्या ही हो सकता है, और कोई रिस्पांस नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपने रोड मैप की बात पूछी, कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह कहती है, हिस्टोरिकली यह कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी।